Divine morning, sir. Divine morning. सभी मास्टर्स का वेलकम. Let's start. Friends, मास्टरी के हमारे इस उद्देश्य में हम आगे बढ़ेंगे. अपने विचारों को मास्टर करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है ध्यान. आज के इस सत्र का आरंभ फिर हम एक सुंदर ध्यान से करेंगे. सभी यथास्थान सुख आसन में बैठे, आराम से बैठे, जहां अगले एक घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. लेकिन इस तरह से अपना स्थान चुने कि जहां आपको नींद ना आ जाए, आप जागरूक अवस्था में रह सके. अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, आंखें बंद कर लें. और केवल अपने सरल स्वाभाविक सांसों को महसूस करें.
अपने विचारों से मास्टर
Thank you.
खुली आंखों से दिखाई देने वाला शरीर खाली हम नहीं हैं, हम इससे बहुत परे हैं, पर इस शरीर का भी बहुत महत्व है। तो हम अब धीरे धीरे वापस आएंगे अपने इस भौतिक शरीर की चेतना में, आहिस्ता आहिस्ता वापस आने की तैयारी। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। आंखों को हाथों के अंदर ही खोलते हुए पूरी चेतना के साथ आराम से ये वापस आना भी पूरा होशपूर्ण हो। धीरे धीरे हाथों को नीचे कर लेंगे। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर ध्यान हम सबने साथ मिलकर किया। सबकी सुंदर ऊर्जा इतने सुंदर ध्यान में लेके जाए गई। क्या हम सब वापस आ गए हैं? यस, प्लीज राइट चैट बॉक्स में लिखे हम वापस आ गए हैं। आई एम बैक, आई एम बैक विथ फुल अवेयरनेस। आई एम अवेयर, आई एम बैक।
बहुत ही अच्छा। चलिए आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हम जहाँ मास्टरी कर रहे हैं तो मास्टरी ऑफ टाइम, मास्टरी समय की मास्टरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, कल हम सबने समझा हमारी चेतना अलग अलग जगह होती है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। आज इसी को और अच्छे से समझेंगे, कौन से विचार, कैसे बातें सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सब कॉन्शियस माइंड कैसे अपना, उसका क्या रोल है, क्या किरदार निभा रही है वो। आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या है, इसमें किससे बना है आपका अवचेतन मन, आपके बिलीव्स, आपकी मेमोरीज, जो आप आज तक जो भी काम हम करते आए हैं एक मेमोरी के फॉर्म में वो हमारे अंदर रजिस्टर होता जाता है, हमारे स्किल्स। आप देखेंगे बहुत सी चीज़ों में इस जन्म में आपने कुछ नहीं सीखा उससे रिलेटेड, या जब हम धरती पे आए कुछ स्किल्स के साथ हम आते हैं वो भी हमारे अवचेतन मन में होता है, और कुछ हम डेवलप करते हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव, हमारी आदतें इस जन्म से ही नहीं, हमारे कई जन्मों के सारे रिकॉर्ड हम, लेकिन उसे कैसे लेकर आते हैं। आपको गाना गाना पसंद है, जैसे एक स्टिमुलस हो, जब हम धरती पे आते हैं आपने कहीं गाना गाते हुए सुना किसी को, तो एक स्टिमुलस आपको मिलता है और आपके वो डीप मेमोरीज, डीप पास्ट मेमोरीज फ्रॉम पास्ट बर्थ्स, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो सरफेस करते हैं, आप उससे कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ आपके अंदर ये है। वैसे ही रोज के आपको बहुत पहले कुछ पढ़ा हो उससे रिलेटेड कुछ भी सामने आता है तो हाँ हाँ मैंने शायद पहले कभी पढ़ा है। तो इस तरह से हमारा अवचेतन बहुत गहरा, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ जो जाने अनजाने हम उसमें रजिस्टर करते जाते हैं, करते जाते हैं। कैसे करते हैं हम ये सब, क्या होता है और इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ये हम समझेंगे, क्योंकि हमें मास्टर बनना है, वी हैव टू अचीव मास्टरी। अभी तक हम जाने अनजाने रजिस्टर करते जा रहे थे, हम होशपूर्ण नहीं थे कि क्या बातें हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है और तो हम उसे बदलेंगे कैसे। फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर, ब्रेन के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के सबसे बेसिक भाग है। न्यूरॉन्स सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे नर्वस सिस्टम का। जब बच्चे दुनिया में आते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं तो ये मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, लेकिन इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस नहीं होते, नेटवर्क नहीं होता। ये नेटवर्क
रोज जो हम इम्प्रिंट्स लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो हर पल अपने माँ बाप के रिएक्शंस को, उनके चेहरे के हाव भाव को देख रहे हैं। बच्चा पानी के पास अकेले जा रहा है तो आपका हाव भाव क्या हो जाता है, आप डर जाते हो, समझ रहा है ये डरने की चीज है, उस रिएक्शन को वो रजिस्टर कर रहा है। इसी तरह से जब बच्चा कुछ बहुत अच्छा करता है, जोर से मुस्कुराता है, आप सब तालियां बजाते हैं, बच्चा समझता है मुस्कुराना अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है, सबकी ऊर्जा बदल जाती है, तो वो न्यूरॉन्स जुड़ जाते हैं, उसे पता है मुस्कुराना किससे रिलेट करना है, पानी को किससे रिलेट करना है। अब वो जब बोलना सीखता है, जब वो अपने बलबूते पर चलता है, बोलता है, जीवन में आते है, कहीं ना कहीं पानी का डर उसके अंदर होता है, इसीलिए हमें उसे सिखाना पड़ता है फिर स्विमिंग, उसे बताना पड़ता है कि नहीं ये डरने की बात नहीं है, फिर वो कनेक्शन को चेंज करना होता है। इस तरह से पूरे जीवन हम यही करते रहते हैं कि इस न्यूरॉन्स को हम नेटवर्क्स बनाते रहते हैं, और फिर हम चाहे तो इन नेटवर्क्स को चेंज भी कर सकते हैं। हमने सुना डायबिटीज हेरिडिटी से होती है, 10 लोगों को सुन लिया, अच्छा हमारे माता पिता को भी डायबिटीज है, आपके अंदर ये प्रोग्राम अपने आप एक्टिव हो जाएगा, मुझे मीठा कम खाना चाहिए, डायबिटीज हेरिडिटी है। फ्रेंड्स, आपका ये चीज, आपको आश्चर्य होगा जानकर, या आप में से बहुत जन जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, लेकिन आज जब ये बातें आपने पढ़ी होंगी तो आपने ये अपना नेटवर्क बदला होगा, जो नेटवर्क आज तक था कि डायबिटीज हेरिडिटी है, यदि माता पिता को है या परिवार में किसी को है तो मुझे भी हो सकती है, तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे डायबिटीज अपने लाइफ में। लेकिन ज्ञान क्या करता है, जब आपको ये ज्ञान मिलता है कि नहीं, आप मास्टर हैं, आप अपने हेल्थ, अपने लाइफ को खुद अपने कंट्रोल में मास्टरी कर सकते हैं, तो आपका वो नेटवर्क डिफ्यूज होके एक नया नेटवर्क, एक हेल्दी नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आप मास्टर हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, ये एस्टैब्लिश होता है। तो ज्ञान का इम्पोर्टेंस हम यहाँ समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कि एक ही ज्ञान, जैसे जैसे आपके, आपको पहले आप पढ़ते हैं, सुनते हैं मास्टर, जैसे हमने कहा कंटेम्पलेशन करते हैं, उसके बाद आप खुद अपने ध्यान में अनुभव करते हैं बहुत सी बातों को, इस तरह से आप अपने न्यूरॉन्स को रीवायर करते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, कहते हैं ना, हर समय हम सीख रहे हैं, सीखते सीखते फिर हम उसे अनलर्न करते, पूरे जीवन हमारा यही प्रोसेस चलता रहता है फ्रेंड्स, जब तक हम अल्टीमेट ट्रुथ, सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव नहीं कर लेते, तब तक यही प्रोसेस चलता रहता है, नेति नेति, ये सीखा फिर नहीं, ये भी नहीं है सच्चाई, इसके आगे की सच्चाई को हम जानते हैं। सो मास्टरी इज एंडलेस। Ma'am, your volume is gone, ma'am. आपकी आवाज राधिका जी नहीं पहुंच रही है, अपनी माइक सेटिंग में कुछ चेंज करें। हेलो हेलो
आपके माइक का जो सिंबल होता है वो चला गया है, अगर या इट्स बैक, अब आप बोलेंगे तो आएगी आवाज. जस्ट अ सेकंड. नो 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 नो. एक मिनट इसे स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करके देखिए एक बार. अभी ठीक है सर? हाँ अब ठीक है, आ गई. सर कहाँ से बंद हो गया था मुझे आप बताइए. लास्ट मैंने लास्ट स्क्रीन पीपीटी तक था. ये वाले पीपीटी तक था सर? ये पीपीटी जब शुरू हुआ तब से नहीं है. अच्छा ये तब से नहीं है? तब से नहीं है. ओ मतलब कुछ भी वो न्यूरॉन से सब कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. ओ न्यूरॉन्स तक हुआ मैम, बच्चों तो वो सब हुआ है. फिर कहाँ तक? तो यहाँ तक बताए थे कि हम ज्यादा अननोइंगली इनपुट्स लेते रहते हैं, तो वहाँ तक हुआ है. वो कनेक्शंस फॉर्म होते बताए थे आप. ओके ओके. आई थिंक आप जब ई एनर्जी वाला स्लाइड चेंज कर रहे थे वहां बंद हुआ, लेकिन वो स्लाइड भी आया नहीं है. ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब ये नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है तो क्या होता है? आप दो लाइव वायर जिसमें करंट हो, उन दोनों वायर को जब एक दूसरे से जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को दो वायर को वो चेक करता है, करंट करंट का फ्लो चेक करता है, जोड़ता है तो देखते हैं उसमें स्पार्क्स आते हैं. वैसे ही जब दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, नेटवर्क बनता है उनके बीच में, तो एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है और एक केमिकल रिलीज होता है हमारे बॉडी में. ये होता है हमारे इमोशंस. जब भी दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती है जिसे हम हमारे इमोशंस के रूप में अनुभव करते हैं. सो व्हाट इज इमोशन देन? हम इमोशन की इतनी सार की बात करते हैं. आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड. इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन. कौन सी एनर्जी? जो वो न्यूरॉन्स जुड़े हैं वो जो केमिकल एनर्जी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं आपके शरीर में, वही इमोशन है. इमोशंस आर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस विच व्हेन एक्सपीरियंस्ड कंटिन्यूअसली बिकम्स अ मेमोरी. अर्थात जब एक बार एक चीज को हम बार बार अनुभव करते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी व्यक्ति ने आपको डांटा, आपकी निंदा की, आपकी गलती निकाल रहे हैं, वो आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, यू आर गेटिंग अपसेट, आपको लग रहा है कि नहीं आपने गलती नहीं की, और अंदर ही अंदर आप उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो. अब आप अंदर ही अंदर इस एक्सपीरियंस को बार बार जीते हो, उसने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे वो ऐसा है. आपके अंदर जब वो न्यूरॉन्स जुड़ रहे हैं, एक मेमोरी बार बार, क्योंकि आप उसी इंसिडेंट को जी रहे हो. एक बार वो इंसिडेंट हुआ, वो आदमी बोलकर चला गया, लेकिन आप उसके बारे में बार बार सोचते हो, एक मेमोरी बन गई वो. अब जब भी वो आदमी आपके सामने आएगा या कोई आपसे उसकी बात करेगा, अपने आप आपके अंदर वो बैड फीलिंग उत्पन्न हो जाता है. अब वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि हमें पता नहीं लगता हमें क्यों अच्छा नहीं लग रहा. या कोई बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हो,
जिसे आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया हो अपने लाइफ में, उसे आप बार बार सोचते हैं, या बार बार किसी एक चीज को आप सिमिलर रिस्पॉन्स देते हैं, वो भी एक मेमोरी की तरह चला जाता है। और हमारे बॉडी के ये वर्किंग इस तरह से होता है फ्रेंड्स, कि जो एक केमिकल एक बार रिलीज हो गया या जो इमोशन एक्सपीरियंस कर गए, बॉडी चाहती है कि उसी इक्विलिब्रियम को वो हमेशा मेंटेन करके रखे। तो बार बार वो वही केमिकल्स, जैसे ही वो सिचुएशन आएगा वो तुरंत वही केमिकल्स रिलीज करेंगे, आप उसी इमोशन को एक्सपीरियंस करोगे बार बार। तो अब आप तो मास्टर हैं, आपको इसे चेंज करना है, बिकॉज अब आप समझ गए हैं कि सभी बुद्ध हैं, सभी भगवान हैं, जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारी उन्नति के लिए आ रहे हैं। तो अब इस ज्ञान से आप इस मेमोरी को चेंज करते हैं। जितना ज्यादा आप इस सत्य को जीते हैं, अपने आदतों में उतारते हैं, सौरभ सर बार बार क्यों कहते हैं, आप लिखिए अपने नाम के साथ, आई एम अ मास्टर, एफर्मेशंस क्या करते हैं, बार बार हम दोहराते हैं इन एफर्मेशंस को, वो आपकी इसी डीप मेमोरीज को, कहीं ना कहीं हम सोचते नहीं, हम बहुत छोटे हैं, अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है, सारे मेमोरीज को इरेज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सर 3 हफ्ते से कौन सी मेमोरीज को चेंज कर रहे हैं और कितने नए इमोशंस आपके अंदर पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे अब इमोशंस, क्योंकि एनर्जी इन मोशन है, हम सब जानते हैं कि वी आर एनर्जी बीइंग्स, हम सब ऊर्जा से बने हैं, जितनी ऊंची हमारी ऊर्जा, जितनी ज़्यादा हमारी ऊर्जा, उतने ज़्यादा हम स्वस्थ रहते हैं, हम मास्टरी के और करीब जा पाते हैं, उतने ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस में छुपे राज सरफेस होकर हम उसे चेंज कर पाते हैं, सत्य के और करीब जाते हैं। तो ऊर्जा का तो बहुत महत्व है, ऊर्जा का महत्व है यानी इमोशंस का महत्व है। तो यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे नीचे से ऊपर तक हर एक ऊर्जा के अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे आप उच्च ऊर्जा की ओर जाते हैं, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। तो अब आपको देखना है, क्या विक्टिम बन के आपको रहना है कि हाँ जी मैं तो कुछ नहीं हूँ, कोई भी आए कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, आपको डर कर रहना है, कंट्रोल में रहना है, आपको प्रेम में रहना है, आपको फ्रीडम के साथ रहना है। ऊपर की ओर हम बढ़ते जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे जीवन में हमारी मास्टरी बढ़ती है, हम अपने इमोशंस के मास्टर बनने लग जाते हैं। हर एक सिचुएशन को हम कैसे देख रहे हैं, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, अपने आप हम जो इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं वो बदल जाता है। पहले यदि परिवार में किसी की मृत्यु होती है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तो उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमें लगता है हमारा पूरा जीवन अव्यर्थ उस व्यक्ति के बिना, प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए। लेकिन आज जब आप समझ जाते हैं कि ये तो निरंतर जर्नी है, तो आप उससे कम प्रभावित होते हैं। आप जानते हैं कि वो भी अनंत है, आप भी अनंत हो, बस इस फिजिकल प्लेन में वो नहीं है फ्रेंड्स। और एक चीज क्या होती है, जब जैसे जैसे आप मास्टर बनते हैं, तो आप हर एक स्टिमुले, हर एक घटना या हर एक कुछ आपके चारों ओर जो हो रहा है, उसके प्रति आप रिएक्शन देने के वजह आप रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। रिएक्शन हम लर्न्ड प्रोग्राम से देते हैं, जो हम ऑलरेडी लर्न करके न्यूरॉन्स को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, रिएक्शन वहां से आता है, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर आ जाता है और आप रिएक्ट कर देते हो। बहुत से हमारे इंस्टिंक्ट्स
जिसे आप कहते हैं ये तो मेरा इंस्टिंक्ट बन गया है, बहुत आम भाषा में बोलते हैं ये तो इंस्टिंक्ट हो गया है हमारा, तकिया कलाम वो सेंट वर्ड्स हम जो इतने रैंडमली यूज करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमारे पॉस्चर्स आप देखेंगे, बहुत से लोग एक ही तरीके से हाथ हिला हिला के बात करते हैं, या कंटिन्यूसली उनका एक बॉडी पार्ट चलता रहता है, बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, इसे सारे प्रोग्राम्स आप सब बदल सकते हैं। जैसे जैसे आप मास्टरी कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स से रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर बढ़ते रहते हैं सोच कर, क्योंकि आप पहले अवेयर होना शुरू होते हैं, आप जागरूक होते हैं क्या हो रहा है, उसे आपको कैसे बोलना है, कैसे हैंडल करना है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है फ्रेंड्स, ये आप एक मास्टर बन रहे हैं, इसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कितना दिन भर में आप कितना कुछ एज रिएक्शन दे रहे हैं और एज रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मास्टरिंग इमोशंस, सबसे पहले हमें अवेयरनेस लेके आना है, एक विटनेस बनना है। हमारे बहुत से दबे हुए इमोशंस, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें लगता है अब मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अब मुझे खराब क्यों लग रहा है। आप मास्टर हैं, लेकिन मास्टरी उतारने में जीवन में समय लगता है, ज्ञान की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, जो ज्ञान धीरे धीरे अनकवर होता है हमारे ही अंदर से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम करते हैं, हमें अवेयर होना है कि हाँ ऐसा इमोशन है, ऐसा हो रहा है, अपने जो आपको लगता है गलत इमोशंस है उससे भागे मत। जेलसी, गिल्ट, एंगर, इन सब से हम अपने बुरे इमोशंस से भागते रहते हैं। डोंट रन, डोंट फाइट, उसे दबाइए मत। आप उसे कितना भी दबा लें वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, आपको दरकार है उस न्यूरॉन के जॉइंट्स को चेंज करने की, आपको वहां चेंज लेकर आना है। सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट हाँ ये है, एंड देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। So do not banish your emotion, navigate, तैर के हमें जाना है, ना ही उसमें डूबना है। जब उससे आप सचेत होते हो तो आप तरीका खोजते हो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है तो अब मुझे कैसे करना है, अगली बार मुझे कैसे हैंडल करना है। आप उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करते हो, सोचते हो, विचारते हो। जब आप विचार करते हो, बार बार सोचते हो उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं वो न्यूरॉन्स के जॉइंट वीक होते जाते हैं, और जहां आपने एक बार प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दिया, आप समझ लीजिए आपने उसकी पकड़ बहुत कमजोर कर ली और एक नए नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर लिया। इसी तरह से हम धीरे धीरे मास्टरी के ओर जाते रहते हैं। फ्रेंड्स विष्णु जी का ये सुदर्शन चक्र क्या कहता है, सुदर्शन अच्छा दर्शन, सुंदर दर्शन, जीवन में होने वाले हर घटना को, इवन अपने इमोशंस को अच्छे नजर से ही देखिए, देखिए कि हाँ ये भी मेरे उन्नति के लिए है, इसे भी मैं बदल सकता हूं। Don't let anything control you. So, आज अभी तक कुछ और यदि आपके अंदर प्रश्न हो
तो आप वो पूछे नहीं, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक पे। आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू। आपको कितना लग रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस के, अपने इमोशन के मास्टर हो सकते हैं? जो मास्टर हो, जिनको जिनको लग रहा है कि हाँ हो सकते हैं, अपने को रिनेम कर लीजिए नाम के आगे या पीछे, या हैंड रेज कर दीजिए, या चैट में लिख दीजिए यस आई एम मास्टर, आई एम बिकमिंग मास्टर, आई एम इवॉल्विंग एज ए मास्टर लाइक राधिका मैम। जी अनिता जी बोलिए। नमस्ते आप लोगों को। मेरे को आपने अभी बोला राधिका जी, डोंट लेट एनीथिंग कंट्रोल यू। सो अनलेस एंड अंटिल वी आर कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स कि मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, सो अनलेस एंड अंटिल आई एम कॉन्शियस आई विल नॉट बी एबल टू लेट हैव अ गार्ड ऑन माय सेल्फ। तो ड्रामा के बीच में ड्रामा रखो है कि नहीं? जब तक मैं कॉन्शियस नहीं हूँ आई विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दोज एक्सटर्नल थिंग्स coming on to me, like right. Yes. That is one thing. Hamare unconscious on, because we are not conscious of our surrounding, conscious of many things. बहुत समय पे हम हबी हो जाते हैं दूसरे external forces की, external things का. Yes. तो हर समय सजग रहने के लिए we have to connect to the center, remain connected to the center. We have to meditate. We have to slow down. We have to stay relaxed. We have to spend time with ourselves. Right. Me time. Silent time. और प्रकृति में इसीलिए रात्रि की व्यवस्था है. Compulsorily for 6 hours, 7 hours, nature forces you to be with yourself. और हम सभी के पास सोने के लिए रात होती है, तो we all have our time, me time. I have no time. It's also a big illusion. इसको मैं दूसरे ढंग से कहता हूं, हम व्यस्त नहीं होते, हम अस्त व्यस्त होते हैं. We are becoming masters of our emotion. तो और मास्टरी में क्या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस आई एम बिकमिंग मास्टर? हाँ. नाइस. ए मास्टर नेवर कंप्लेन, ए मास्टर नेवर क्राई, ए मास्टर नेवर रिग्रेट. ये सब बहुत लोअर लेवल के वाइब्रेशन है, इमोशन है, उनसे हम ऊपर उठ जाए. जो हम हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल डिवाइन स्वरूप है, हम उसमें जाग जाएं, उसमें जीने लग जाएं, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाएं. आपके आसपास जो भी आपको आपको देखे, वो आपको देख के भी इंस्पायर हो जाए. बात करने तो बात की बात, वाओ देखो क्या राधिका मैम के चेहरे पे क्या शांति है, क्या स्माइल है. अगर बोलेंगे फिर तो लोग बिल्कुल कायल हो जाएंगे, फैन बन जाएंगे. लोग देख के भी इंस्पायर हो सकते हैं. हमारी जिंदगी स्वर्ग बननी चाहिए और अल्टीमेटली हम इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे. लेट्स मेक दिस अर्थ ए बेटर प्लेस.
planet, a better home, a better place to live. But the only way to change the humanity is by changing ourselves. Our social activists are just making the noise. वो चेंज होता नहीं है. चेंज तो तब होगा जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को मास्टर बनाएंगे. मास्टरी इज डेस्टिनेशन ऑफ एवरी वन, भले वो रियलाइज करे या ना करे. इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में करेंगे. हमें स्वयं को बदलना है, स्वयं को मास्टर बनाना है. और किन्हीं को कुछ पूछना है राधिका मैम से इमोशन के बारे में, या जो आज हमने सुना सीखा? चिंतन मनन निधि ध्यासन कॉन्टम्पलेशन डिस्कशन पॉन्डरिंग इज नीडेड फॉर द मास्टरी. वो जो इमोशन वाला स्लाइड लगाया था अधिका मैम, वो फिर से एक बार लगा दीजिए. वो जबरदस्त स्लाइड है, उस पर डिस्कशन अभी लंबा चलेगा. आज फिर से थोड़ा सा दिखा देते हैं. डिफरेंट इमोशन, डिफरेंट इमोशनल वाइब्रेशन के बीच में जो आपस में डिफरेंसेस हैं वो भी बहुत प्रोफाउंड होते हैं. हम अभी किसी लेवल पर जी रहे हो, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए आप एंगर या उसके ऊपर है कंट्रोल या पावर या विल, उस लेवल पर कहीं हम जी रहे हो, और नीचे से हम ऊपर देखें तो ग्रेटिट्यूड जॉय लव फ्रीडम ब्लिस, इस फ्रीडम से ब्लिस आते आते भी बहुत बार समय लग जाता है. हम शुरुआत से सबकी जानकारी रखें. इन सभी इमोशंस में सबसे हायर इमोशन कौन सा है, किसको बढ़ाने के लिए हमें कितना ज्यादा फोकस करें? रोहन जी, सुदर्शन चक्र को री हाईलाइट करने के लिए अवेयरनेस. मास्टर रोहन, लव वॉरियर अवेयरनेस. या यस सर. तो नहीं, वो सुदर्शन चक्र जो बोला तो वो इससे लिंक करने में थोड़ा मेरे को वो राधिका मैम का समय कितना कीमती है, और आप उनसे एक ही पॉइंट रिपीट करवाएंगे? नहीं नहीं, रिपीट नहीं करना, सिर्फ सिग्निफिकेंस थोड़ा. राधिका मैम, आपकी आवाज, आप बोलने चाह रहे थे क्या? आपकी आवाज नहीं आई. सुदर्शन सर, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही, आ गई. रोहन जी, सुदर्शन अर्थात हम लोग पहले एक्सेप्ट करें, हम जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी इमोशन में हैं, उसे भी एक्सेप्ट करें, उसे भागे नहीं. जी मैम, जी मैम. इसलिए सुदर्शन, उसमें ही आपके उन्नति का सीक्रेट छुपा है. यदि आप उसे पहले समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप उसके ऊपर जा सकते हैं. इसीलिए जब हम हर एक चीज सही है, हर एक घटना सही है, हर एक बीज है आपकी उन्नति का, इसीलिए सुदर्शन. Got it. Just like divine will, जैसे हमने डिस्कस किया था. We need to accept divine awareness, divine witnessing, divine perception, yes, sir. Divine understanding. Got it. Thank you. हम सभी के पास दर्शन है. अगर हम हमारे पास right understanding है, right perception है, right viewpoint है, तो हम सबके पास दर्शन है. जिसको भी हम चाहें, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सुदर्शन सिर्फ विष्णु भगवान के पास है, ऐसा नहीं है. हम सबके पास सुदर्शन है. द थिंग इज, डू वी हैव राइट
divine perception, divine viewpoint, divine understanding. If you have, yes, you have Sudarshan Chakra. You have ability to transform any situation to a divine moment, any person to divine person, Angulimal to Sannyasi, Ratnakar Daku to Valmiki Rishi. हम अपने भीतर दर्शन लेकर आए और ये दर्शन और भी आता है, योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, हम देखना सीख जाएं तो दर्शन आ जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू राधिका मैम, थैंक यू. इन इमोशंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चिंतन करते रहिए. इस पर हम अभी और डिटेल चलेंगे आएंगे. दिस इज ए वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी साइंटिफिक, वेरी वेरी नेसेसरी इमोशनल चार्ट इन्वेंटेड बाय ए साइंटिस्ट नेम डेविड हॉकिंस. मैं बहुत लोगों ने काम किया है लेकिन सबसे मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोफेसर डेविड हॉकिंस का है. खैर, किसने किया वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता. जो नॉलेज है, जो विजडम है, जिससे हमारे भीतर मास्टरी डेवलप हो सकती है, आज का अफर्मेशन आई एम मास्टरिंग माई इमोशंस. नाइस. कौन कौन लोग इमोशन के मास्टर बनना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये अफर्मेशन रिपीट कीजिए. I am mastering my emotions. 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 Mastering my emotions. I'm becoming aware and mastering my emotions. I'm mastering my emotions. I am mastering my emotion. I'm mastering my emotions. I'm mastering my emotions. Mastering my emotions. I am mastering my emotions. I am mastering my emotions. I am becoming conscious of myself and becoming aware of myself and mastering my emotions. Affirmation hamesha chote chote rakhe and ki jagah jab bhi and wala aa raha ho to usko do sentences bana le tab fir wo behtar hoga. Mastering emotion, मास्टरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन, इस पे हम आगे बढ़ेंगे. आगे फीलिंग एंड इमोशन डिफरेंट है. मिशन प्रैक्टिस हमने कर लिया है. एक सवाल लेकर जाए, इज फीलिंग एंड इमोशन आर सेम और डिफरेंट?
इस पर जो भी आपको गूगल बाबा का आल हेल्प लेना हो, आपको अपने भीतर जाके अपने मेडिटेशन से लेना हो, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स, एन नंबर ऑफ यूट्यूब, तो ढूंढिएगा, तो चिंतन कीजिएगा, और कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे। रामेश्वर जी चिंतन पॉन्ड